नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम आर्टिकल 87 से लेकर आर्टिकल 166 तक कवर करेंगे और सारे वो मेन मेन आर्टिकल हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 87 से स्टार्ट करते हैं। इसमें राष्ट्रपति को संसद में विशेष रूप से संबोधित कर सकता है, किन परिस्थितियों में विशेष रूप से संबोधित कर सकता है? तो दोस्तों एक तो वर्ष के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा, यानी राष्ट्रपति जो संसद है उसका पहला सत्र, ये कब? चुनाव के बाद पहले सत्र को, और वर्ष के पहले सत्र को, चुनाव के बाद के प्रथम सत्र को और वर्ष के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करेगा। दोस्तों ये आर्टिकल 87 में ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा, जैसे ये कथन में आ जाता है कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से किस अधिवेशन को संबोधित करेगा। तो एक तो वर्ष के पहले सत्र को या बजट सत्र, क्योंकि वर्ष का पहला सत्र होता है बजट सत्र, एक तो बजट सत्र को अनिवार्य रूप से, और एक चुनाव के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद प्रथम सत्र, इन दोनों सत्रों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। फिर दोस्तों अगला आर्टिकल आर्टिकल 88, इसमें महान्यायवादी संसद की दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ऐसा कौन है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की दोनों सदनों की मतलब अध्यक्षता नहीं बैठकों में भाग ले सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो दोस्तों महान्यायवादी है जो संसद की दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और संबोधित भी कर सकता है, जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है और या कार्रवाई में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, कौन है? महान्यायवादी। फिर दोस्तों आर्टिकल 93, ये लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। फिर दोस्तों 98 आर्टिकल, इसमें संसद सचिवालय का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय का उल्लेख किया गया है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों 100, कई बार पूछा जाता है, कोरम या गणपूर्ति। सदन में कोरम उसकी सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरम होता है, किसी भी सदन की सदस्य संख्या का 1/10 उसका कोरम कहलाता है या गणपूर्ति। और आर्टिकल भी पूछा जाता है इसमें, आर्टिकल 100 से संबंधित है, मतलब आर्टिकल 100 में उल्लेखित है गणपूर्ति या कोरम, किसी भी सदन का कुल सदस्य संख्या का 1/10 उसका गणपूर्ति या कोरम कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है 108 अनुच्छेद 108, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, यानी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किन परिस्थितियों में बुला सकता है? एक तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में पारित नहीं हो, मतलब एक विधेयक, कोई विधेयक वो एक सदन में पारित हो गया और दूसरे में पारित नहीं होता, उस परिस्थिति में बुला सकता है। और या फिर एक सदन से पारित होके दूसरे सदन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, 6 महीने का टाइम हो गया, 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, धन विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक, इन पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। एक तो धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक, इस पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। फिर आर्टिकल है 109, इसमें धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक किस में रखा जाएगा, हमेशा धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही रखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही रखा जाता है, तो धन विधेयक है ये, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही रखा जाएगा। और आर्टिकल 109 में बताया गया कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाएगा, मतलब पहल लोकसभा से होगी। फिर दोस्तों आर्टिकल 110 110, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल भी पूछा जाता है कि कोई भी धन धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 110 में।
और ये निर्णय कौन करता है कि कोई भी बिल या विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो हमेशा ये लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 111 या आर्टिकल 111, इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है दोस्तों। धन विधेयक इसको छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो ये इसकी पॉकेट वीटो कहलाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, तो दोस्तों 111, अनुच्छेद 111 में उल्लेखित है पॉकेट वीटो। या पॉकेट वीटो क्या है, किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जाना पॉकेट वीटो कहलाता है। और दोस्तों सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले किसने, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने, और वो भी एक पोस्ट ऑफिस से संबंधित, एड पोस्ट डाक से संबंधित विधेयक था, तो उसको वापस पुनर्विचार के लिए लौटाए थे। तो ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले विटो शब्द या पॉकेट विटो का प्रयोग किया था, और पॉकेट विटो का उल्लेख आर्टिकल 111 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 112, इसमें वार्षिक बजट के बारे में, वार्षिक बजट राष्ट्रपति संसद के सामने या समक्ष रखवाता है या रखेगा दोस्तों, यह आर्टिकल 112 है, यानी वार्षिक बजट से संबंधित आर्टिकल 112। फिर दोस्तों आर्टिकल है 118, इसमें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल 118 में है। ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ये देखो दोस्तों 108 में दिया गया है संयुक्त अधिवेशन किसमें उल्लेखित है, 108 में, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ये उल्लेखित है 118 में। 108 और 118 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। क्वेश्चन आता है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित आर्टिकल है, तो राइट आंसर 108 है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 120, इसमें संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगा, मतलब संसद की जो कार्यवाही है वो किस भाषा में होगी, ऐसा उल्लेख है आर्टिकल 120 में, और वो भी लिखा हुआ है कि संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। फिर आर्टिकल 121 है, संसद को न्यायालय न्यायपालिका पर टिप्पणी करने से रोका गया है दोस्तों। 121 और 122, पहला है ये 121, इसमें संसद को न्यायपालिका पर जो कोई टिप्पणी करता है उसे रोका गया है, और जो 122 है इसमें न्यायपालिका संसद की किसी भी जो कार्यविधि है उस पर टिप्पणी करने से रोका गया है। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे की टिप्पणी पर रोकते हैं, संसद को न्यायपालिका पर टिप्पणी से 121 में, और न्यायपालिका को संसद पर कोई भी मान लो उसकी कार्यविधि है इस पर टिप्पणी करने से रोका गया है। फिर दोस्तों आर्टिकल 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मान लो संसद का अवकाश है या सत्र नहीं चल रहा उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है आर्टिकल 123। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123 में, और किन परिस्थितियों में या कब जारी कर सकता है, या तो संसद का अवकाश हो या सत्र नहीं चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति किसी भी ऐसे कानून को अध्यादेश द्वारा जारी कर सकता है। और दोस्तों फिर आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में है उच्च न्यायालय का गठन या सुप्रीम कोर्ट का गठन। फिर दोस्तों ये आर्टिकल 124 ए है जिसको हटा दिया गया अभी, और ये राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग ये जोड़ा गया था 99 संविधान संशोधन 2015 में जोड़ा गया था दोस्तों, और इसको अभी हटा दिया गया, वापस कोलेजियम जो ये न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के जो न्याय नियुक्ति आयोग बनाया गया था, और इसकी जगह वापस अब कोलेजियम ले लिया, कोलेजियम अपने हिसाब से वापस न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों 124 से हटा दिया गया और 99 संविधान संशोधन 2015 द्वारा जोड़ा गया था। फिर आर्टिकल है 129 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, आर्टिकल 129 में उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखित न्यायालय, अभिलेख न्यायालय मतलब इसके द्वारा जो भी कोई डिसीजन दिए गए वो आगे या अन्य न्यायालयों के लिए एक अभिलेख का काम करते हैं, तो ये आर्टिकल 129 में उल्लेखित है। फिर दोस्तों 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और दोस्तों इसमें परामर्श ले सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 143 में, ये ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 148 दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब केग, केग का उल्लेख किसमें है, सीएजी, इसमें 148 में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 153 इसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा उल्लेखित था, लेकिन 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, मतलब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 153। फिर दोस्तों 156 है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राज्यपाल की कार्य अवधि क्या है, तो राज्यपाल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 163 दोस्तों, ये आर्टिकल 163 है, राज्यपाल की सहायता एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ये भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री से संबंधित आर्टिकल है 153, इसमें राज्य के लिए एक मंत्री परिषद मतलब राज्यपाल की सहायता एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। फिर दोस्तों 164 है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये आर्टिकल 164 में है, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनको शपथ दिलाता है दोस्तों, ये आर्टिकल 164 में है। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 165 है, 165 में महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, मतलब ये जब तक राज्यपाल चाहे तब तक महाधिवक्ता उसके प्रसाद पर्यंत रहेगा और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है दोस्तों। कई बार पूछा गया कि महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, मतलब राज्य लेवल पर सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और ये आर्टिकल 165 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 165 165 में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल के पश्चात पर्यंत रहता है दोस्तों। फिर आर्टिकल 166 है दोस्तों, इसमें राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के या किसके नाम किए जाते हैं, राज्यपाल के, ये किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल 166 में उल्लेखित है। और दोस्तों जो पीछे वाले वीडियो थे उसमें एक तो आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियां हैं वो छूट गया था, राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां मतलब राष्ट्रपति किसी भी अपराध को कम कर सकता है, अपराध की प्रवृत्ति बदल सकता है, मृत्युदंड को कम कर सकता है और क्षमा कर सकता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की शक्तियां समाधान की शक्तियां ये आर्टिकल 72 में है। और इसी प्रकार जो राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं वो 161 में है, अनुच्छेद 161 इसमें राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं, तो दोस्तों इसमें राज्यपाल है ना मृत्युदंड इसको समा और कम नहीं कर सकता, बाकी अन्य जो भी कोई अपराध है उनकी जो सजा है उनको कम कर सकता है। तो ये पीछे वाले लेक्चर में 72 ये छूट गया था, तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि इसी से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।